यो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर टेक्सचर पैक वीडियो। ओके गाइस, तो आज की वीडियो में मैं शो केस करने वाले कुछ टेक्सचर पैक जो कि मैं ढूंढ के लाया हूँ और बहुत ही अच्छे टेक्सचर पैक हैं और मुझे काफी सही लगे, जो कि हैं भी डिफॉल्ट और तुम लोग उसमें पीवीपी के लिए भी यूज कर सकते हो, एसएमपी के लिए भी, और जो भी तुम मतलब भी यूज करना चाहो उसके लिए तुम यूज कर सकते हो। ओके, तो सबसे क्रेजी टेक्सचर पैक है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने इसको ढूंढे हैं पहले और जो मुझे अच्छे लगे मैंने उनको डाउनलोड किया और देखा है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। ओके, तो वही चीजें मैं अभी तुम लोगों के पास लाने वाला हूँ। ओके, अभी मैंने कोई टेक्सचर पैक नहीं लगाया, तो अभी हम लगाते हैं अपना सबसे पहला टेक्सचर पैक। ओके, तो मैंने पहला टेक्सचर पैक लगा दिया, इसका नाम है ब्लड। ओके, ब्लड टेक्सचर पैक है, 32x है। ओके, और अभी तुम देख सकते हो कि भाई ज्यादा मेरी काफी सारी चीजें चेंज हो गई हैं और मेरे नीचे वाला तुम होट बार भी देख सकते हो और बाकी काफी अच्छा हो गया, देखो पूरा ब्लैक हो गया है। ओके, तो तुम इस टेक्सचर पैक को खुद देख सकते हो, ये काफी बेस्ट है और मेरे हिसाब से काफी अच्छा है। ओके, और अगर तुम्हें इस चीज में नहीं समझ आ रही तो तुम लोगों को मैं एक चीज और दिखाता हूँ। ओके, तो तुम्हें ज्यादातर इस जगह पे समझ आएगी। ओके, तो मैं तुम लोगों को तो कि जिन्होंने पूरा जो है ना अपना डायमंड वाला जो आर्मर है वो इन्होंने कर दिया रेड। ओके, ये देख सकते हो तुम पूरा रेड, और हाँ एक गलती है इसमें, शील्ड पूरी आगे की भी है इन्होंने, शील्ड पूरी आगे कर दिया, लेकिन ये काफी अच्छा लग रहा है। ओके, रेड में भी काफी अच्छा लग रहा है, वैसे ही आई थिंक डायमंड पोर्ट ही बनाया है इन्होंने, डायमंड के लिए काफी अच्छा है। बस इसकी सोल्ड अगर मतलब वो शील्ड अगर नीचे हो जाए, ओके, जो कि काफी अनोइंग है। तुम लोग देख सकते हो कि ये काफी अच्छा लग रहा है, रेड है। ओके, तुम लोग बाकी भी चीजें देख सकते हो, और इसकी जो बो है उसमें ग्रिप शेप नहीं है, लेकिन ये मतलब नॉर्मल ही है ब्लू बो, और बाकी चीजें तुम खुद ही देख सकते हो। बस इसमें एक मसला है कि ये इसकी शील्ड बड़ी है। ओके, बाकी तो मुझे अपने हिसाब से काफी अच्छा लग रहा है। ओके, तो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टेक्सचर पैक पे। ओके, तो अभी मैंने अपना नया टेक्सचर पैक लगा दिया, इसका नाम है वलीना पीवीपी एडिट। ओके, वलीना पीवीपी का एडिट है और तुम देख सकते हो कि इसमें ये एप्पल भी काफी छोटा है और बाकी चीजें ये बो के आगे, ओह ये काफी अच्छा लग रहा है, और बो नॉर्मल है लेकिन एक्स वगैरह छोटी है, देखो एक्स और सोल्ड वगैरह काफी छोटी है और ये बहुत ही अच्छा लगता है इसका। ये तुम ग्राफ्टिंग टेबल भी देख सकते हो कैसी है, तुम लोग देख सकते हो कि यार यहाँ पे ये टेक्सचर पैक भी काफी अच्छा है, और इसकी हाँ इसकी ये जो है शील्ड ये भी काफी छोटी है। ये इसका नाम ही है असल में वलीना पीवीपी टेक्सचर पैक, तो ये वलीना भी है मतलब बड़ा सिंपल होने वाला है और पीवीपी से मुराद पीवीपी। ओके, तो इसी वजह से इन्होंने बाकी चीजें छोटी कर दी, आई थिंक इसकी पिकेस भी छोटी है, तो इसकी जो टूल्स है वो सारे छोटे हैं। ओके, और बाकी भी तुम देख ही सकते हो कि लुक भी बड़ा अच्छा कर रहा है, लुक इसकी काफी अच्छी आ रही। ओके, और तुम लोग हॉट बार के ऊपर भी देख सकते हो कि 1 2 3 4 लिखा हुआ है, लाइक तुम यूं करके देख सकते हो। ओके, ओवरऑल ये काफी अच्छा है। ओके, नॉर्मल सा है लेकिन काफी अच्छा है, क्योंकि वलीना टेक्सचर पैक है और इसकी सोल्ड बहुत अच्छी लग रही है ब्रो। ओके, तो अभी हम बढ़ते अपने थर्ड टेक्सचर पैक की तरफ। ओके, तो अभी मैंने लगा दिया अपना थर्ड टेक्सचर पैक और ये इसमें मुझे कलर कोरेक्शन काफी अच्छी लग रही है ब्रो, मतलब तुम देख सकते हो थोड़ा सा चेंजिंग, काफी ज्यादा चेंजिंग हुई आई थिंक, अगर तुम्हें नहीं समझ आई, लेकिन मुझे एक सेकंड, मेरा मोशन ब्लर भी अलग टाइप का काम कर रहा है। और हाँ गाइस, जो मैं पहले बोल रहा था कि ये फुल ग्रास, तो सॉरी वो फुल ग्रास नहीं था, मैंने अलग से भी फुल ग्रास लगाया हुआ है, क्या पता उसमें ना हो, ठीक है, तो तुम खुद भी देख लेना, लेकिन ये काफी अच्छा होता है। ओके, और ओ वेट, एक सेकंड, इसकी सोल्ड देखो यार, इसकी सोल्ड अभी तक की सबसे अच्छी लगी है, इसकी शील्ड भी अच्छी है, सोल्ड बड़ा छोटी है, एक्स और पी सारी छोटी है, वो भी काफी छोटी है ब्रो, और बाकी सारी चीजें छोटी, ये देखो ब्रो कितना अच्छा है ये ब्रो, इसमें मोशन ब्लर ज्यादा अच्छा वर्क कर रहा है ब्रो। ये चीज मैंने बहुत कम टेक्सचर पैक में देखी है कि एक मतलब जो बकेट वो भी मतलब छोटी, और भाई हर चीज छोटी है। एक सेकंड, अगर मैं इस जगह पे ये रखूं, ब्रो ये क्रेजी है यार, ये क्रेजी है, इसका नाम है पीवीपी एसेंशियल। ओके भाई, तुम देख सकते हो ये कैसे मतलब बड़ा अच्छा, अबे पीछे हो, और सोल्ड भी इसकी काफी ऐसा लग रहा है कि मैं वो एक मोड होता है व्यू मॉडल वाला, उसको यूज करके मैंने इसको पतला किया हुआ है, लेकिन भाई ये सीरियसली टेक्सचर पैक में है ही पतली। हेलो भाई, और ये काफी सही लग रहा है ब्रो, ये बहुत ही क्रेजी है, मतलब अभी तक का मेरा सबसे अच्छा टेक्सचर पैक यही है, जो कि काफी छोटी कर देता है चीजें। ओके, उन लोग खुद ही देख सकते हो कि काफी चीज छोटी हुई है, और मुझे तो पहले शुरू शुरू में ऐसा लगा है कि इसने थोड़ा सा कलर करेक्शन भी की है। और ये पैक भी तुम यूज कर सकते हो, सारे टेक्सचर पैक की लिंक तुम्हें मेरे डिस्कॉर्ड पर मिल जाएगी, तो तुम्हें डिस्कॉर्ड डाउनलोड करना और सिंपली वहां पर तुम्हें टेक्सचर पैक का एक फोल्डर मिलेगा और वहां से तुम इसको डाउनलोड कर दोगे। ओके, इस वीडियो का लिंक होगा और उसके नीचे जितने भी मैंने इस वीडियो में टेक्सचर पैक बताए हैं उतने टेक्सचर पैक उसमें होंगे, और तुम आराम से, मैंने ये नाम इधर भी बताए हैं उधर भी नाम के साथ दूंगा, तो वहां से डाउनलोड कर लेना। ओके ओके, तो हमने अभी अपना लास्ट टेक्सचर पैक लगाया है जिसका नाम है लूनर। ओके, तो ये लूनर पता नहीं क्या, पता लूनर क्लाइंट की तरफ से, आई डोंट नो, लेकिन ये लूनर है। ओके, और ये देखो इसकी सोल्ड देखो, अब यार फेंक तो सकता नहीं हूँ, लेकिन इसकी सोल्ड काफी मस्त है और शील्ड को थोड़ा छोटा भी किया हुआ है। ओके, और एक्स को देखो तुम
लोग एक्स इन्होंने पता नहीं अजीब सा एक वो बना दिए, क्या उसे कहते हैं, विलन वाला। और ये देखो बाकी चीजें तो सेम है तकरीबन, और थोड़ी छोटी की हुई है, जैसे ये है एप्पल छोटा किया है ये सामने किया, और इसके आगे थोड़ा सा ब्लैक किया। ओके और यहाँ ये दोनों छोटी चीजें और ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है। बाकी तो ओ पिकक्स भी लाइक टूल्स वगैरह इन्होंने ना डायमंड के तो इस तरह कर दिया, बाकी तुम देख ही सकोगे कैसे है। बाकी मेरी तरफ से बड़ी है, जैसे कि मैंने बोला था कि सारे पैक की लिंक आप लोगों को मेरे डिस्कॉर्ड में मिल जाएगी, तो या तुम वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफी, मैं मिलता हूँ कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।